अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि जब भी किसी से मशवरा लो तो अपने काम के अकॉर्डिंगली मशवरा लो। जैसे कि अगर तुमको घर और ज़मीन के मुतालिक राय मशवरा चाहिए तो तुम उससे जाकर के मशवरा लो जिसके पास ऑलरेडी घर और ज़मीन मौजूद है, जो ऑलरेडी ज़मींदार है। अब अगर तुमको बिज़नेस के मुतालिक मशवरा चाहिए तो तुम जा कर के बिज़नेस मैन से मशवरा लो। सब मामले में औरतों से मशवरा लेना सही नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से मशवरा लेने में परहेज़ करो। अगर तुम हर मामले में औरतों से मशवरा ले भी रहे हो तो फिर उस पर अमल करने में सोचो और समझो, क्योंकि औरतें जो है वो दिल से मशवरा देती है, वो दिल से सोचती है, वो उसका माइंड उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता कि वो फ्यूचर को देख सके। उसका माइंड बिजनेसमैन माइंड नहीं होता है, वो चीज़ों को जज्बाती तौर पर सोचती है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मौला अली का भी ये फरमान है कि अगर तुम किसी से मशवरा लेते हो तो फिर तुम ऐसे इंसान से मशवरा लो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। यानी आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे आप घर के मामले में औरतों से मशवरा ले सकते हैं, जैसे कि घर में कौन से कलर का पेंट लगवाना है, ग्रीन लगाएं या फिर येलो लगाएं, तो इस तरह के मामले में घर को किस तरह से सजाना है, बच्चों को क्या चाहिए नहीं चाहिए, इस तरह के घरेलू मामलों में आप औरतों से मशवरा ले सकते हैं। लेकिन हर फील्ड में आप औरतों से मशवरा ना लिया करें। और दूसरी बात यह कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि अगर तुम कोई आलिमे दीन से मशवरा लेते हो तो फिर उसके मशवरे में बरकत आ जाती है। अगर बहुत से इंसान ऐसे भी होते हैं जो अकेला ही सब कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो दो चार लोगों से मशवरा ले लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसके उस काम को मुकम्मल करने में उसकी मदद करते हैं और फिर उसके काम में बरकत अता कर देते हैं। बात दरअसल यही है। और फिर हालाँकि आप सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दो चार लोगों से, अपने पराए लोगों से मशवरा ले लेते हैं तो लोगों का दिल भी बड़ा हो जाता है और आपको उस काम में और दुआएं मिलती हैं और आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सबके मशवरे पर अमल करना ही ज़रूरी है। आप मशवरा लो सबसे, आप लोगों के दिमाग को पढ़ो कि लोग क्या कहना चाहते हैं, कौन तुमको आगे बढ़ाना चाहता है, कौन तुमको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, फिर करो वही जो तुमको सही लगे, फिर करो वही जो तुम सोचते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।